बात करते हैं मथुरा की, जहां थाना बलदेव इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के कासिमपुर अंडरपास के पास पुलिस की अंतर जनपदीय गिरोह के दो बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों में जिम्मी चौधरी सादाबाद एवं छोटू और सुरेश आगरा के निवासी बताए जाते हैं, जिनके पास से एक बुलेट यूपीएससी ईवी 4613 दो तमंचा दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। विराट 24 न्यूज के लिए मथुरा से विनीत कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 13 को थाना बलदेव के सेहत गांव में सीताराम गौतम, जो अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनको दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो बुलेट से थे रोका गया और इनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें इनके वाइफ के कुंडल और 800 रुपए बदमाशों द्वारा छीन लिए गए थे। वहां खेत में काम कर रहे लोगों द्वारा हल्ला किया गया और इस हल्ला में गाँव के लोग बदमाशों का घेराव किए। इस घेराव में जब वो अपने को घिरता देखे तो उन्होंने फायरिंग की और जिससे गांव के ही कप्तान सिंह के हाथ में गोली लगी थी। इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा कई टीमों को लगाया गया था, जिसमें सर्विलांस, यशोजी और बलदेव की टीमें काम कर रही थी। आज रात मुखबिर की सूचना पर कि बदमाशों का मूवमेंट हो रहा है, पुलिस द्वारा एक्सप्रेस वे के कासिमपुर अंडरपास पर जाम चेकिंग लगाई गई थी। इस चेकिंग के दौरान एक बुलेट से दो व्यक्ति आते हैं और पुलिस को देखकर वह हड़बड़ी में गिर जाते हैं। उनके द्वारा पुलिस पर ही फायरिंग की जाती है, जिसके जवाब में पुलिस कार्रवाई करती है और इस कार्रवाई में घनश्याम चौधरी उर्फ जिम्मी चौधरी के पैर में गोली लगती है और उसका साथी सुरेश उर्फ छोटू यादव, जो एतमाद दौला का रहने वाला है, गिरफ्तार किया जाता है। दोनों बदमाशों ने घटना का स्वीकार करते हुए बताया कि इनके द्वारा ही घटना कारित की गई है। इनके पास से कुंडल और 800 रुपए बरामद हुए हैं। जिम्मी चौधरी का जो आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो उनपे अब तक 14 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। इसी प्रकार सुरेश यादव पर 8 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। इनके पास से 2 अदद तमंचे, घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल, कुंडल, 800 रुपये, 3 मोबाइल बरामद किया गया है। जिम्मी चौधरी उर्फ घनश्याम चौधरी, जिनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, छोटू उर्फ सुरेश यादव को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा ये सराहनीय कार्य और त्वरित घटना का अनावरण किया गया है। पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।